गुड आफ्टरनून एवरी वन आज मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ और ये कानिक्स का लास्ट चैप्टर है बच्चों रिलेटिव मोशन आप कैसे महसूस करते हो कैसे परसीव करोगे इसका मैं डेली लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जब आप किसी बस में बैठ के ट्रेवल करते हो तो रोड साइड के जो ट्रीज़ हैं प्लांट्स हैं बिल्डिंग्स हैं वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भागते हुए नज़र आते हैं इनफक्ट सारी बिल्डिंग्स सभी ट्रीज पीछे की तरफ़ भागते हुए नज़र आते हैं हकीकत कुछ और है कि वो अपनी जगह पे हैं उनके बीच में बैठकर आप बस के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते तो ट्रीज का प्लांट्स का बिल्डिंग्स का जो मोशन आप परसीव करते हो बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वही रिलेटिव मोशन है क्योंकि वो चीज़ें रियल में मूव नहीं करती केवल आपको परसीव होता है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है यहाँ से हम लोग एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे रिलेटिव मोशन में आखिर फार्मूलेशन कैसे होंगे फार्मूला कैसे बनेगा तो तुम एक ऑब्जर्वर हो तुम्हारी वेलोसिटी बस के वेलोसिटी के बराबर है और तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो जो ट्रीज या बिल्डिंग्स हैं उनकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है जीरो एक ग्राउंड ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा होकर देखेगा तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को ट्रीज या बिल्डिंग का एक्चुअल वेलोसिटी जीरो दिखेगा और बस की वेलोसिटी फॉरवर्ड दिखेगी या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी फॉरवर्ड दिखेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिल्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द बस निकालने का एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं इट्स शुड बी इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बिल्डिंग एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बिल्डिंग माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द बस अगर ऐसा कोई फार्मूला बनाते हो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बिल्डिंग तो जीरो है माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑबज़रवर इक्वल टू बस है तो रिलेटिव विलासिटी ऑफ द बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या मिला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सेटिंग इन साइड द बस क्या मिला मिला इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इसे ये पता चलता है कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का बेस्ट मेथड यह होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी वेलोसिटी पहले लिखो वेक्टर मेथड से और जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो नेगेटिव साइन के साथ और दोनों का डिफरेंस निकाल लो उससे आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी आई मीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बिल्डिंग एज सीन बाय द ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द बस इट शुड बी डिफाइंड एज इक्वल टू एक्चुअल विलासिटी ऑफ द बिल्डिंग माइनस एक्चुअल विलासिटी ऑफ द ऑब्जेक्टर सिटिंग इन साइड द बस अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करें तो हमें रिलेटिव वलास्टिक किसी भी ऑब्जेक्ट का आसानी से मिल जाएगा इसलिए बच्चों अब हम लोग जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही होगा जिस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वालास्टिक निकालना होगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम लोग वेक्टर फॉर्म में प्लस साइन में लेंगे और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी माइनस साइन में लेंगे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे उससे हमें मिला करेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट बॉडी अब थोड़े फॉर्मूलेशन पे हम लोग आते हैं देखते हैं क्या होता है सो दिस इज माई बुक कॉर्मेटिक्स वॉल्यूम टू एंड योर टॉपिक इज रिलेटिव मोशन वैलिड इन वन डी टू डी एंड थ्री डी मोशन ये जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं ये वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल तीनों में अप्लाई होगा इन ईच केस द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द बॉडी वन एंड ऑब्जर्विंग द बॉडी टू ऐसा जूम करा हूँ कि ऑब्जर्वर बॉडी वन पे खड़ा है और बॉडी वन पे खड़ा होके वो बॉडी टू को लगातार देखे जा रहा है सो हाउ टू डिफाइन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन सिंबल होना चाहिए इसका डेल्टा आर रिलेटिव वैक्टर देखो ये जो थ्योरी पढ़ रहे हो ये थ्री डायमेंशनल टू डायमेंशनल कुछ भी हो सकता है इसको वैक्टर फॉर्म में पढ़ना होगा और वैक्टर स्पैरो लगा के लिखना होगा हाउ वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में रो तो मैरो यहां से ओमिट कर सकते हो बच्चों इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होगा डेल्टा आर टू वन वैक्टर उसको ऐसे डिस्क्राइब करोगे डेल्टा आर टू वन मीन्स वॉट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन आई I मीन mean, जिस बॉडी पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा उस बॉडी का जो सिंबल है वो तो लास्ट में लिखोगे और जिस बॉडी को ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसका सिंबल पहले लिखोगे और डिफाइन ऐसे करोगे इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा आर टू माइनस डेल्टा आर वन इसको तुम कहोगे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू वट इज़ मीनिंग ऑफ एक्चुअल विच इज़ सीन बाई स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बन एज सीन बाय स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर आई मीन जिस बॉडी पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसकी क्वांटिटी माइनस में ली जाएगी जिस बॉडी को ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसकी क्वांटिटी प्लस में ली जाएगी इन दोनों का डिफरेंस वेक्टर मेथड से निकाला जाएगा और जो वैक्टम मेथड से डिफरेंस आएगा दट इज कॉल्ड दट इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन और इसका अप्रोप्रियट सिंबल कुछ इस तरह से होगा बच्चों वेक्टर एल्जेब्रा में आपको वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सिखाया गया तो मैं इसका एनालिटिकल मेथड आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं कि इस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा सो यूजिंग कोसाइन फार्मूला एंड यू हैव बीन टॉट इन वेक्टर एल्जेब्रा for vector difference you are going to use cosine formula modulus of delta r relative equals modulus of delta r21 equals modulus of delta r1 square plus mod delta r2 square minus 2 into mod of delta r1 into mod of delta r2 into cos theta

and delta r2 vector. this is body 1 and this one is body 2. so they are moving independently in different directions. in a certain time interval, the actual displacement of the body 1 is delta r1. an observer is standing on the body 1. एंड इन अटेन टर्म इंटरवल एक्चुअल डिसमेंट ऑफ बॉडी टू इज इक्वल टू डेल्टा टू वैक्ट ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन बॉडी वन एंड ऑब्जर्विंग बॉडी टू मूविंग अगर ये बॉडी वन पे खड़ा है और बॉडी टू को देखे जा रहा है तो बॉडी टू का मोशन इसको रिलेटिव दिखाई देगा इस ऑब्जर्वर को ये डायरेक्शन बिल्कुल नहीं दिखेगा जो दिखेगा वो कुछ डिफरेंट दिखेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इतना इसको नहीं दिखेगा क्योंकि तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा और ये वाला इस स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा जो बॉडी वन पे खड़ा हो के इसको देखे जा रहा है उसको इन दोनों के अलावा कुछ और दिखेगा और वट उसको दिखेगा वही कहलाएगा रिलेटिव डिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन इसके लिए कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि दिस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विध रिस्पेक्ट टू बॉडी वन एक माइनस डेल्टा और वन वैक्टर बच्चों आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा तो वैक्टर डिफरेंस में आपको ये पढ़ाया गया कि दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को इनसाइड करा दो डेल्टा वन को ड्रा कर दो स्केल में डेल्टा टू को भी ड्रा कर दो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन उनके टर्मिनल्स को ज्वाइन कर दो और जो वेक्टर पहले लिखा है आई I मीन mean ये पहले लिखा है उसके टर्मिनल के पास इसका एक टर्मिनल मार्क कर दो तो ये जो ब्लू कलर का वेक्टर यहाँ पे मिलेगा यही देगा तुमको वेक्टर डिफरेंस इसी को डिनेट करोगे डेल्टा टू वन और इसी को डिफाइन करोगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिस ब्लू कलर्ड वेक्टर विल गिव यू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चों एक कोसाइन फार्मूला होता है इसका डेरिवेशन वेक्टर में मैं पढ़ाता हूँ कभी वेक्टर पे क्लास लूँगा तो डेरिवेशन सिखा दूंगा अभी इस फार्मूले से काम चला लो। बच्चों मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालोगे। आई सपोज ये तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डेल्टा वन के डायरेक्शन के साथ इंटरनल एंगल फाइव बना रहा है ये जो टेन फाइव है उसका भी डेरिवेशन होता है फाइव को टेन यूनिवर्स में लिखोगे मॉडुलस ऑफ डेल्टा आर टू साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा अरवन माइनस मॉड ऑफ डेल्टा आर टू कॉस थीटा बच्चों इस फार्मूले में थीटा क्या है थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल्टा अरवन वैक्टर एंड डेल्टा आर टू वैक्टर तुम्हारे क्वेश्चन में ये थीटा गिवेन होगा और ये वैक्टर का मैग्नीट्यूड गिवेन होगा इसका मैग्नीट्यूड गिवेन होगा तो तुम यहाँ पर उनके वैल्यूज पुट करके फाइ की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो और ये जो फाइ है सॉल्व कर लोगे तो इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो बच्चों इतना सा कॉन्सेप्ट होता है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन न्यूमेरिकल्स में वैरायटी होगी कॉन्सेप्ट बस इतना ही होता है अब आप सेकेंड पार्ट पर आ जाओ रिलेटिव वालासटी ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन सिंबल वे रिलेटिव वैक्टर आर वी टू वन वैक्टर सो दिस डिफाइंड वी टू माइनस वी वन जिस बॉडी पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी वालासिटी माइनस में ली जाएगी जिस बॉडी को ऑब्जर्वर देख रहा है उसकी वालासिटी प्लस में ली जाएगी और ये कोसाइन फार्मूला फिर से इस्तेमाल होगा पहले डायरेक्शन देखो लुक दिस इज बॉडी वन एंड दिस इज बॉडी टू एड अ सर्टिन मोमेंट ऑफ टाइम ये इंस्टेंटेनियस वालास है ये किसी इंटरवल की बिलासिटी नहीं की है बच्चों किसी मोमेंट की बिलासटी है एक्चुअल बिलासटी ऑफ बॉडी वन इज़ बी वन एंड एक्चुअल बिलासटी ऑफ बॉडी टू इज बी टू वट इज़ मीनिंग ऑफ एक्चुअल बिलास बच्चों दिस इज ऑलवेज सीन बाई इज स्टेशनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर्ड सीन बाई इनरी ग्राउंड ऑब्जर्वर अगर एक ऑब्जर्वर को बॉडी वन पे खड़ा कर दो और बॉडी टू को देखे जा रहा है तो ये ब्लास्ट उसको कत्ते ही नहीं दिखेगा उसको जो कुछ भी दिखेगा वही रिलेटिव होगा और वही रिलेटिव ब्लास्टिक का सिंबल होगा वी टू वन तो डेफिनेशन में बताया गया वी टू माइनस वी वन तो फिर से आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे मेथड वही है दोनों का इनिशियल कॉमन पॉइंट पे रखो पहले वी वन ड्रा करो फिर वी टू ड्रा करो टर्मिनल को ज्वाइन करो और वी टू के पास टर्मिनल मार्क करो ये जो ब्लू कलर्ड वेक्टर है बच्चों यही है वी टू वन वैक्टर इसी को कहते हो रिलेटिव लास्ट ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन एंड सपोज द एंगल बिटवीन दिस टू वैक्टर्स इज थीटा एंड दिस एंगल इज फाइ तो कोसाइन फार्मूले से इसका मैग्नीट्यूड आएगा और फाइव का फार्मूला जैसे पिछली बार था वैसे यहाँ भी आएगा तो फार्मूला में आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं सो दिस इज योर कोसाइन फार्मूला मॉड ऑफ वी टू वन इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वी वन स्क्वायर प्लस मॉड वी टू स्क्वायर आई रिपीट मॉड ऑफ वी टू वन इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वी वन स्क्वायर प्लस मॉड वी टू स्क्वायर माइनस टू मॉड वी वन मॉड वी टू कॉस थीटा व थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वन वैक्टर एंड वी टू वैक्टर सिमिलरली फाइव इक्वल्स टेन इनवर्स मॉड वी टू साइन थीटा अपॉन मॉड वी वन माइनस मॉड वी टू कॉस थीटा वेचो इस फार्मूले से आप फाइव निकालोगे फाइव से डायरेक्शन मिलेगा और इस फार्मूले से इसका बैगनी मिलेगा

ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड तभी होता है जब बॉडी वन स्टेट लाइन पर मूव करती है आई I मीन mean किसी फिक्स डायरेक्शन में और ये भी किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है ये जो रिलेटिव एक्सलेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों आपको सिखाया जा रहा है उसके लिए इसका डायरेक्शन फिक्स होना जरूरी है इसका डायरेक्शन फिक्स होना जरूरी है लेकिन आप जब बी करोगे प्यारे बच्चों वहाँ आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लोग पढ़ाएंगे वहाँ पे बॉडी वन बॉडी टू की अलग अलग सिचुएशन होगी तो वहाँ रिलेटिव मोशन का रिलेटिव एक्सलेशन का जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव बिलासटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटायरली चेंज हो जाएगा बड़ा डिफिकल्ट होगा बड़े लंबे लंबे डेरिवेशन होंगे और जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होंगे चेजलेस थ्योरम का डेरिवेशन वो लोग पढ़ाते हैं वहाँ से बड़ा लंबा सा फार्मूला आता है तो ये सब जो आप पढ़ रहे हो बड़ा ईजी आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसका लिमिटेशन है कि ये हर बार ये काम नहीं करेगा फॉर्मूला उसके लिए इसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए इसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए तभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे अदरवाइज ये सब फेल हो जाएगा तो एज्शन है कि डायरेक्शन फॉर ए वन इज फिक्स डायरेक्शन फॉर ए टू इज़ फिक्स बीटेक में ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चों की जो बॉडी वन होगा वो किसी कर्विलियर मोशन कर रहा होगा किसी कर पे घूम रहा होगा बॉडी टू किसी अनादर कर पे घूम रहा होगा तो बॉडी वन का भी एक्सलेशन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा बॉडी टू का एक्सलेशन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेरिएबल होगा उस सिचुएशन में इसको जो रिलेटिव एक्सलेशन दिखेगा वो इस मेथड से कत्ते ही नहीं आएगा वो एंटायरली चेंज हो जाता है कॉन्सेप्ट और बहुत डिफिकल्ट होता है उसका डेरिवेशन वहाँ पे पढ़ाते हैं वो लोग चेजलेस थ्योरम पढ़ाएंगे कॉनिक्स थ्योरम पढ़ाएंगे और जैसी सिचुएशन होगी वैसे वैसे थ्योरम वहाँ बने होंगे तो थोड़ा बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ आपके लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ज़्यादातर में इसका डायरेक्शन फिक्स होता है इसका डायरेक्शन फिक्स होता है तो ये जो आइडिया है ये काम करता है ये आपको ए टू वन वैक्टर देगा तो ए टू वैक्टर और ए वन वैक्टर का इनिशियल मिला दो उनको ड्रा कर दो उनके टर्मिनल को ज्वाइन कर दो ए टू के टर्मिनल के पास इसका टर्मिनल बना दो इसको ए टू वन राइट कर दो, यही होगा प्यारे बच्चों रिलेटिव एक्सलेसन ऑफ बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन तो कोसाइन फार्मूले से इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मॉडुलस ऑफ ए टू वन इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एवन स्क्वायर प्लस मॉड ए टू स्क्वायर माइनस टू इंटू मॉड एवन एंड फाइव सिमिलर फॉर्मुला डायरेक्शन मिल जाएगा यहां से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा यहां से ये सब तुम निकाल लिया करोगे और इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं नाउ सपोज टू बॉडीज आर मूविंग विद डिफरेंट विटीज

v1 is instantaneous actual velocity shown by green vector v2 is instantaneous actual velocity at a certain moment of time now point body 1 and body 2 are joined by straight line at a certain moment this line is defined as central line joining the center of two bodies इनको मिला दो प्रोड्यूस कर दो अब क्या करो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन कैसे डिफाइन होता है पूरा प्रोसेस समझो बच्चों ये जो वी वन वैक्टर है सपोज वो इस लाइन से थीटा वन बना रहा है वी टू वैक्टर थीटा टू बना रहा है तो वी वन वैक्टर का पहले सेंट्रल लाइन पे कंपोनेंट निकालो दैट शुड बी थीटा कॉस्थीटावन और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो वीवन साइन थीटावन इमेजिन करो कि इसके केवल दो ही आर्थोगोनल कंपोनेंट हैं जब सिर्फ दो आर्थोगोनल कंपोनेंट लिया जाता है तो उनका कोप्लिनर होना जरूरी होता है कोप्लेनर होंगे तभी वो वैलिड माने जाएंगे बच्चों के रेड कलर से मैंने दो कंपोनेंट निकाल लिया कंपोनेंट लेने के बाद वीवन वैक्टर की आइडेंटिटी खत्म हो गई फैसे इसको कट कर दिया गया आई मीन वीवन इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ इन स्टेट इन प्लेस ऑफ वीवन टू वैक्टर्स आर सामल्टेनियमिलरली टू कोटा टू इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई इमेजिन करो तो ये जो दो सेट ऑफ कम्पोने निकाले हो पैल एंड एंडुलर अब इसमें केस बनाओ केस वन कंसिडर ओनली द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइन द पॉइंट बॉडीज सपोज स्टैंडिंग ऑन बॉडी वन। केवल तुम पैलल कॉम्पोनेंट को कंसिडर करो अभी मैं बता रहा हूँ उसको क्यों छोड़ा हो केवल पैल कंपोनेंट को कंसिडर करो और इमेजिन करो कि ऑब्जर्वर बॉडी वन पे खड़ा है बॉडी वन पे ऑब्जर्वर खड़ा है और वो बॉडी टू को लगातार देखे जा रहा है किसी सट्टे मोमेंट पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू एस दिखा दो बच्चों इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है वी वन कास थीटा वन इज़ बिगर वी टू थीटा टू इज स्मॉलर इट मीन्स जो फ्रंट बॉडी है वो स्लोली जा रही है और जो रियर बॉडी है वो फास्ट जा रही है ऐसा अगर होता तुम्हारी डेली लाइफ में होगा पीछे वाला लड़का तेज़ दौड़ रहा है आगे वाला धीरे धीरे दौड़ रहा है तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो लगातार घटेगा और थोड़ी देर के बाद ये लड़का इस आगे वाले लड़के को कैच कर लेगा इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ डिक्रीज होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब दे आर अप्रोचिंग टूअर्ड्स ईच अदर अगर तुम ऑब्जर्वर बन के वन पे खड़े हो जाओ तुम्हें महसूस होगा कि ये जो सेकेंड बॉडी है वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आ रही है लेफ्ट साइड में तुम्हारी तरफ आ रही है ऐसा तुम रियलाइज करोगे इसको केस ऑफ रिलेटिव अप्रोच कहते हैं बच्चों मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ मैं डिफाइन करना चाहता हूँ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू बॉडीज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन अ प्लेन बच्चों इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये दोनों वैक्टर पैलल है इन दोनों का डिफरेंस ले लो और बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर कर लो अगर वो पैलल है तो डिफरेंस ले लो और अगर दोनों अपोजिट है तो बीच में प्लस कर लो पिगर मानस स्मॉलर क्यों करते हैं बच्चों तो क्योंकि इसको मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड का मतलब ये पॉजिटिव स्केलर हुआ तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बिगर माइनस स्मॉलर किया जाता है अच्छा जा बच्चों इसमें समझाया हूँ कैस तो लगातार घटेगा तो डी का साइन क्या होगा नेगेटिव होगा उस नेगेटिव को ये क्या करेगा पॉजिटिव बनाएगा इस रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच को कैलकुलस में डिफाइन करते हैं नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज वंस मोर नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज और उसको कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखो बच्चों पॉजिटिव बनाने के लिए मानस लगाओ क्योंकि तो ये स्पीड है ये पॉजिटिव स्केलर है अब रिलेटिव स्पीड ऑफ रिशेशन कैसे समझोगे डायग्राम नहीं है उसका मैं उसी में समझा दे रहा हूं इमेजिन करो कि वीबन कॉस्ट थीटावन इज लेस देन v2 cos theta 2। जस्ट इमेजिन करो डायग्राम में ऐसा नहीं है इमेजिन करो कि ये वेक्टर छोटा है और ये वेक्टर बड़ा है मगर जो फ्रंट बॉडी है वो फास्ट जा रहा है बॉडी है वो स्लो जा रहा है तीन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ेगा ऑब्जर्वर बन के वन पे खड़े हो जाओ तुमको बॉडी टू तुमसे दूर भागता हुआ नजर आएगा सिचुएशन को रिसेशन बोला जाता है और रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन कैसे डिफाइन करोगे इसमें एस की वैल्यू क्या होगी बच्चों इंक्रीज होएगी तो इसको डिफाइन करोगे रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन प्लस डी एस बाई डी टी क्योंकि ये भी स्पीड है तो पॉजिटिव होना चाहिए और इस बार ऐसे इंक्रीज होगा तो डी एस का साइन पॉजिटिव होगा तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इस बार यहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं होगी और मैंने बताया कि जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बिगर माइनस स्मॉलर लिखा ही जाएगा इस बार तुमने इसको बिगर माना है इसको स्मॉलर इस माना है तो बिगर माइनस स्मॉलर लिखोगे कॉन्सेप्ट वही है बच्चों कि जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों अपोजिट होंगे तो प्लस करोगे इसमें केस टू बना लो कंसिडर ओनली द बिलास्टिक कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट बॉडीज अब इसमें एक नई चीज आपको सिखाई जाएगी इस डायग्राम में पैलल कंपोनेंट को इग्नोर किया गया है सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कंसिडर किया गया है परपेंडिकुलर टू वॉर्ड द सेंट्रल लाइन

कि तुमको ये नीचे ऐसे शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि तुम ऊपर ज़्यादा उठोगे ये कम उठेगा तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये डाउनवर्ड जाता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा ऐसा तुम सोच पा रहे हो तो बच्चों यहाँ पे जो रिलेटिव इलास्टी आएगी उसको रिलेटिव परपेंडिकुलर स्पीड यहाँ बोलेंगे और ये दोनों कंपोनेंट पैल हैं जब दोनों कंपोनेंट पैल होते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालते वक्त इनका डिफरेंस लेना पड़ता है डिफरेंस लेते वक्त माना से इस्मा करना पड़ता है और डायरेक्शन तो रियलाइज़ करा दिया कि जब यहाँ खड़े होकर इसको देखना शुरू करोगे तो ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा तो एक डायग्राम और बना रहा हूँ जिस बॉडी पे तुम खड़े हो वो बॉडी तुमको रिलेटिव रस में नजर आएगी भाई हम जिस बॉडी पे खड़े होते हैं उसका मोशन हमें नहीं दिखता अगर हम बस में बैठे हैं तो बस हमारे रिलेटिव रस में नज़र आती है बस में हमें रिलेटिव मोशन नहीं दिखता इसी तरह से हम लोग अपने रूम में लेटे हैं तो हमको रूम का मोशन नहीं दिखाई देगा टोटल रूम हमको रिलेटिव रस में नजर आएगा उसी तरह से बॉडी वन पे खड़े हो तो बॉडी वन तुमको रिलेटिव रस में नज़र आएगा लेकिन बॉडी टू को देखे जा रहे हो तो बॉडी टू तु तुमको पर्पटिकुलरली डाउनवर्ड जाती नज़र आएगी और पर्पनिकुलर रिलेटिव स्पीड ये स्पीड है बच्चों इसलिए मैंने बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी किया है तो इसका परपेंडिकुलर रिलेटिव डाउनवर्ड दिखेगा इंस्टेंटेनियस सेपरेशन एस दिखाया हूँ बॉडी वन तुमको रिलेटिव रेस्ट में नजर आएगा प्यारे बच्चों याद करो ये सिचुएशन सर्कुलर मोशन में होती है वैसे यहाँ सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा है लेकिन माना जाएगा कि इस वक्त ये एक छोटे से सर्कुलर आर्क पे बहुत छोटे से सर्कुलर आर्क पर मूव करने की टेंडेंसी रख रही है कौन बॉडी टू विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वन ये टेंडेंसी रख रही है बहुत छोटे से आर्क पे मूव करने की तो सर्कुलर मोशन में बच्चों क्या होता है तो इसको सेंटर मान लो इसको रेडियस मान लो तो सर्कुलर मोशन में जो बिलासिटी लीनियर ब्लास्टी होती थी वो रेडियस पे 90 डिग्री बनाती थी वैसे सिचुएशन दिख रही है ये तुम्हारा लीनियर ब्लास्टी हो गया ये सेंटर हो गया ये रेडियस हो गया तो क्लॉकवाइज़ वाइज एक ओमेगा परसीव करोगे अगर तुम बॉडी वन पे खड़े होकर देखोगे तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी से इस बॉडी में एक क्लॉकवाइज़ वाइज रिलेटिव एंगुलर स्पीड तुम परसीव करोगे उसको ओमेगा टू वन लिखोगे वह जो सर्कुलर मोशन में आपको ये सिखाया हूँ वी क्वल्स आर ओमेगा देन ओमेगा वी बाई आर तो जब तुम रिलेटिव ओमेगा डिफाइन करोगे तो वी की जगह पे लिखोगे वी परपेंडिकुलर टू वन और आर की जगह पे लिखोगे आर टू वन तो मेगा टू वन को कैसे डिफाइन करोगी वी परपेंडिकुलर टू वन और रेडियस की जगह पे क्या लिखोगे इक्वल टू एस वी परपेंडिकुलर टू वन को कैसे निकालोगे? ये वी परपेंडिकुलर टू वन वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू इन दोनों का डिफरेंस ले लो वो इसका वैल्यू आ गया ऐसे डिवाइड कर दो ये हो गया रिलेटिव एंगुलर स्पीड इसको ऐसे पढ़ोगे रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी टू अबाउट द बॉडी वन इन द फॉलोइंग वे ओमेगा टू वन इज डिफाइंड इन दिस वे बच्चों इस कॉन्सेप्ट की हमको कमिंग चैप्टर्स में ज़रूरत पड़ेगी और वो रिलेटिव मोशन कॉनेमेटिक्स में पढ़ाया जाता है ये दिमाग में फीट कर लो इसकी हमें जब जब जरूरत होगी हम लोग इसको इस्तेमाल करते रहेंगे ये दो चीजें मैंने सिखाई अब कुछ और आकर आ जाओ इक्वेस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीटेड रिलेटिव मोशन वैलिड फॉर थ्री डी टू डी एंड वन डी मोशन बच्चों में आपको पिछले एपिसोड्स में गलेलियो थ्री इक्वेशंस का डेरिवेशन पढ़ा चुका हूँ वही थ्री इक्वेशन और डायरेक्ट यूज करने जा रहा हूँ सिर्फ एक रिलेटिव टर्म इस्तेमाल होगा लेकिन इक्वेशन जस के तस वैसे ही होंगे जब हम लोग गलेक्वेशन थ्री डी मोशन और टू मोशन में यूज करते हैं तो वैक्टर पैरो लगा के लिखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आई कैप जे कैप के कैप यूज करते हैं और अगर वन डी मोशन में वैक्टर पैरों नहीं लगाते तो वनडी में आरो नहीं लगाएंगे प्लस और मानस से काम चला लेंगे तो थ्री और टू के जो क्वेश्चन करोगे तो वेक्टर पैरों लगा के लिखोगे इसमें एजम्प्शन क्या होता है बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर ऐसा एजम्पन लेते हो जिसको कहोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो गैलीलियो फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे पढ़े हो वी इक्वल यू प्लस ए टी पढ़े हो लिखोगे वी रिलेटिव इक्वल्स यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इन टी बच्चों जितने वैक्टेस पैरो लगा दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इनकी वैल्यूज आई कैप जे कैप के कैप में लिखना इसमें एकजम्पशन होता है कि टाइम की इनिशियल वैल्यू ज़ीरो मानी जाती है और ये इनिशियल रिलेटिव लास्टी है ये फाइनल रिलेटिव लास्टी है फाइनल का मतलब बच्चों टाइम का रीडिंग क्या हो रहा होगा टी इक्वल्स टी हो रहा होगा और ये क्या है कॉन्सटेंट है ये इनिशियल ये फाइनल इसके बाद टाइम का रीडिंग क्या था जीरो इसके बाद टाइम का रीडिंग क्या होगा टी होगा और ये तो शुरू से कांस्टेंट है फिर बच्चों सेकंड इक्वेशन आपको मैंने पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस पोजिशन वैक्टर आर इक्वल्स आर नाट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद करो अब जितने वैक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें एक रिलेटिव सबस्क्रिप्ट लगा दो फाइनल आर रिलेटिव इक्वल्स इनिशियल आर रिलेटिव प्लस यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वा बन गया सेकंड इक्वेशन बच्चों इसमें भी माना गया है कि टाइम का लोअर लिमिट ज़ीरो होगा और जब टाइम का लोअर लिमिट ज़ीरो होगा उस वक्त इनिशियल रिलेटिव पोजिशन की वैल्यू आर रिलेटिव नॉट होगी यानी कि इसके वक्त टाइम का जीरो माना गया है और ये तब होगा फाइनल रिलेटिव पोजिशन ये तब होगा जब टाइम का रीडिंग इक्वल टू टी होगा थर्ड इक्वेशन पढ़ाया हूँ आपको डेरिवेशन भी पढ़ाया हूँ वी डॉट वी इक्वल्स यू डॉट यू प्लस टू इंटू ए डॉट डेल्टा आर सेम टू सेम इक्वेशन बच्चों, जितनी वेक्टर क्वांटिटी उसमें रिलेटिव है सबस्क्रिप्ट लगा दो ये बन जाएगा वी रिलेटिव डॉट वी रिलेटिव इक्वल डॉट यू रिलेटिव प्लस टू इन टू ए रिलेटिव डॉट डेल्टा रिलेटिव तो ये थ्री इक्वेशंस डिराइड बाय गियो ये आप तब इस्तेमाल करोगे न्यूमेरिकल्स में जब आपके क्वेश्चन में सेकेंड बॉडी का रिलेटिव एक्सलेशन फर्स्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या होगा कॉन्स्टेंट होएगा तब इन तीनों इक्वेशन को डायरेक्ट यूज़ करोगे और अगर ये वेरिएबल निकला तो बच्चों ये तीनों काम नहीं करेंगे फिर आपका क्वेश्चन कैलकुलस मेथड से होगा अब मैं कैलकुलस मेथड यूज करूंगा जो न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो रिलेटिव मोशन का ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था सो so, प्यारे बच्चों मैंने आपको रिलेटिव मोशन का जो थोरेटिकल पार्ट है आज कंप्लीट करा दिया तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ और ये सब कुछ मैं अपनी बुक से पढ़ाता हूँ कॉनवर्ट वॉल्यूम वॉल टू पिछले एपिसोड में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हर कोई इस बुक को परचेज करे उसके टेबल पर यह बुक होगी उसको कॉन्सेप्ट को एक एक लाइन पढ़ के समझने में आसानी होगी क्योंकि वीडियो लेक्चर में तो जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस से बस मैं उतना ही कवर करता हूँ एक एक लाइन को एनालाइज एनौल, नहीं करता ये बुक आपके टेबल पे होनी चाहिए इसको आप ऑर्डर करके मंगा लो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें इंडेक्स क्या है क्या क्या मैंने इस बुक में कवर किया है कंटेंट तो आपको वीडियो में देख ही रहा है लेकिन इसका इंडेक्स देखो मैं क्या क्या इसमें कवर किया हूँ इसका एक पार्ट है एनालिटिकल सप्लीमेंट दैट इज कॉनेमेटिक्स थ्री पार्ट्स थ्री डी मोशन टू डी मोशन वन डी मोशन देन सेकेंड पार्ट सप्लीमेंट्री कानेटिक्स रिलेटिशन वी हैव डन सॉरी वी है रिवर वी हैव डन एंड मोशन वी हैव डन कॉन्स्टेंट मोशन वी हैव डन जिलेरी टॉपिक्स वी हैव डन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स बहुत सारे करा चुका हूँ जो बचेगा रिलेटिव मोशन का वो कराने वाला हूँ वी हैव डन देन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक इज टाई आउट सप्लीमेंट ये पिछले एपिसोड में मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपको दिखाए थे कि जो आर्काइव है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसमें दो तरह का आर्काइव है एक है गलेक्सी इसमें किस किस कंपटिशन के आर्काइव हैं जई मेन सेट सब्जेक्ट टेस्ट आर्काइव है यूनिवर्सल पार्ट में किस का आर्काइव है आई आई टी जई एडवांस का है के वी पी वाई का है एन का है ओलम्पियाड्स का है इतने सारे कंपटिशन्स के आर्काइव हैं ये सारे पेज नंबर हैं और इसके सारे क्वेश्चंस को मैं पिछले एपिसोड में दिखाया था ये मेरी बुक टू फिफ्टीन पेजेस की है और इसका इंटीरियर ऐसा ही कलरफुल है डाग्राम यही डिटो कलरफुल है और वाइट पेपर है आर्ट पेपर है प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छा है जैसे काफ़ी टेबल बुक होती है उस तरह का इसका पेपर की क्वालिटी आप बहुत इंजॉय करोगे एक्जैक्टली exactly वही सारे पेजेस में आपको अपनी बुक का पढ़ाता हूँ तो आई होप आप इसे परचेज करके इसे पढ़ना शुरू कर दोगे और फिर मेरा वीडियो लेक्चर देखोगे आपको बहुत फ़ायदे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने आपको क्या पढ़ाया रिलेटिव मोशन का जो थोरेटिकल पार्ट है वो मैंने कवर किया अब रिलेटिव मोशन पे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत अच्छे अच्छे क्लासिक न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें कुछ तो ट्रेडिशनल टाइप के होंगे और कुछ बहुत डिफिकल्ट होंगे एनालिटिकल होंगे मैथमेटिकल होंगे लेकिन अगर आप खतरों से खेलना जानते हो तो मैं आपको खतरों से खेलना सिखा दूंगा क्योंकि टफ सेगमेंट पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है और जो मीडियाकर कॉन्सेप्ट है वो भी मैं करा देता हूँ सो दैट हर किसी का भला हो जाए तो फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं और न्यूमेरिकल्स में आपको अगले एपिसोड में कराने जा रहा हूँ और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपकी होली बहुत अच्छी गुजरी होगी ऐसा मुझे उम्मीद है सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए एंड गुड डे सी यू अगेन